अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज आमिर हुसैन और आप देख रहे हैं कॉमर्स ऑनलाइन। क्लास 12 अकाउंटिंग के एमसीक्यूज को अब हम सॉल्व करने जाएंगे। बैरियर कॉलेज का सेंडअप का ये पेपर है और इसके एमसीक्यूज को हम सॉल्व करेंगे। तो चले यहाँ स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। पहला एमसीक्यूज है आपके पास, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस आर शोन इन बैलेंस शीट। तो जो सही आंसर है वो आपका है बैलेंस शीट। सेकेंड आपके पास है एमसीक्यूज, सब्सक्रिप्शन रिसीव, सब्सक्रिप्शन आपने रिसीव कर ली ड्यूरिंग द ईयर, सब्सक्रिप्शन हमारी इनकम होती है। इफ टू पार्टनर्स आर हैविंग कैपिटल बैलेंस ऑफ रुपीज 80,000 एंड 1,00,000, दो पार्टनर उनका कैपिटल बैलेंस है 80,000 और 1,00,000, अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इन द फर्म बाय कंट्रीब्यूटिंग सफिशियंट कैश मेथड एक्वायरिंग 1/3 इंटरेस्ट, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैश। अभी देखो दो पार्टनर उनका कैपिटल कितना है 1,80,000 रुपए, तीसरा आ रहा है और उसको चाहिए 1/3। इसका मतलब ये कि आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे और 2 से डिवाइड कर दोगे, ये 2,70,000 रुपए आ जाएगा और 2,70,000 का फिर आप 1/3 निकालोगे, दैट विल बी 90,000। कोई परेशानी इसमें? मुझे उम्मीद है कोई परेशानी नहीं होगी। कैसे भाई, 3 1 3 3 90,000। नेक्स्ट है, द इन्वेस्टमेंट इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड टू, जो इन्वेस्टमेंट है पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, इन्वेस्टमेंट इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड टू, इन्वेस्टमेंट हो रही है तो डेफिनेटली वो पार्टनर्स के कैपिटल में ही जाती है। नेक्स्ट है, पेटेंट कॉपीराइट गुडविल इज इनटेंजिबल एसेट है, ये एसेट वो एसेट होते हैं जो कि दिखाई नहीं देते। नेक्स्ट है, व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इन अ फर्म गुडविल टू ऑल पार्टनर will be distributed with the ratio of old partner capital ratio. Debenture holders क्या होते हैं? आपके पास creditor of the company, इन लोगों ने company को क्या दिया होता है? Loan दिया होता है। Next है, discount for the quick repayment, discount for the quick repayment of debt is normally referred to, ये हमारे पास होता है cash discount। ठीक है, मैं इनको highlight भी कर रहा हूं ताकि आपको visible हो सके, नजर आ सके। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, व्हाट हैपेंस व्हेन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज टू पार्टनर। अभी आप ड्राइंग निकाल रहे हो और उस पर इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो, तो आप क्रेडिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट में चला जाता है। क्यों? क्योंकि पार्टनर्स को प्रॉफिट हो रहा होता है। एक बंदा है वो ड्राइंग कारोबार से पैसे लेकर जा रहा है, सही है, अब कारोबार से पैसे लेकर जा रहा है तो वो उस पर सूद देगा, तो सूद कारोबार में शामिल हो जाएगा तो पार्टनर कैपिटल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसलिए हम बोलेंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट में इसको ट्रांसफर करेंगे। करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर शुड बी ओपन्ड व्हेन द कैपिटल आर फिक्स्ड, जब कैपिटल फिक्स्ड होते हैं तो करंट अकाउंट को क्या किया जाता है? ओपन किया जाता है। इफ कैपिटल ऑफ द फर्म इंक्रीजेस बाय द इन्वेस्टमेंट ऑफ इनकमिंग पार्टनर, अगर कैपिटल ऑफ द फर्म बढ़ रहा है इनकमिंग पार्टनर से, यानी को पार्टनर कारोबार में आ रहा है और कैपिटल ऑफ द फर्म बढ़ है, देन दैट वुड बी द केस ऑफ गुडविल। गुडविल मेथड में ही हमेशा क्या होता है, जो है वो पार्टनर्स का जो कैपिटल है बढ़ता है। इफ द कैपिटल ऑफ द फर्म इंक्रीज बाय द इन्वेस्टमेंट ऑफ इनकमिंग पार्टनर। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 11 और इसको हम सॉल्व करते हैं। कह रहा है कैपिटल ऑफ द फर्म इंक्रीज
बाय द इन्वेस्टमेंट ऑफ इनकमिंग पार्टनर, सिर्फ जो पार्टनर कारोबार में आ रहा है उसी से बढ़ रहा है, इसे ज्यादा नहीं बढ़ रहा, तो यह हमारा बोनस मेथड होता है। द अकाउंट दैट रिकॉर्ड द एक्सपेंस गेन्स एंड लॉसेस इज नोन एज वो अकाउंट जो कि एक्सपेंस को, गेन को और लॉसेस को बता रहा होता है, ये अकाउंट हमारा कहलाता है नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन अकाउंट रिप्रेजेंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट किस चीज को बताता है, फ्लक्चुएशन को, एस्टिमेशन को, वैल्यूएशन को या डी एलोकेशन को, तो डेफिनेटली ये एलोकेशन को बता रहा होता है क्योंकि हम एक सर्टेन पोर्शन ऑफ अमाउंट जो है वो डेप्रिसिएशन की निकाल देते हैं, एलोकेट कर रहे होते हैं फिक्स एसेट के ऊपर। 14 है आपका ऑन एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, कैपिटल ऑफ अ न्यू पार्टनर इज क्रेडिटेड विद द एंटायर अमाउंट ऑफ हर इन्वेस्टमेंट, तो ये हमारी जो दिस इंस्टीट्यूशन गुडविल विल बी ट्रांसफर टू, जो गुडविल है वो ट्रांसफर होती है किसके पास, न्यू पार्टनर के पास। अगर एनुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 40,000 है, कॉस्ट है 3,00,000 रुपए, सॉलिड वैल्यू 60,000, तो आपको लाइफ बतानी है। इसका तरीका बहुत ही आसान है, फॉर्मूला आपके पास है, कॉस्ट माइनस सॉलिड वैल्यू लाइफ डिवाइडेड बाय डेप्रिसिएशन। अभी बोल रहा है डेप्रिसिएशन कितना है, 40,000 है, कॉस्ट आपके पास 3,00,000 रुपए और सॉल्वेज वैल्यू आपके पास 60,000 रुपए, लाइफ आपको नहीं मालूम। अब ये 3,00,000 में से 60,000 निकाल दूंगा, दैट विल बी 2,40,000, ये एक्स डिवाइड और इक्वल की तरफ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 40,000 डिवाइड हो रहा है यहाँ आ जाएगा, दैट विल बी 40,000 और एक्स, ये आपने 4,0 काट दिए, 4×1=4, 4×6=24, तो जो आपके पास जो लाइफ आ रही है वो आ रही है 6 years। इन द केस ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर द अकाउंट विल बी मेंटेन टू रिकॉर्ड द इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अभी एडमिशन हो रहा है, एडमिशन जब हो रहा है और कोई पार्टनर कारोबार में आ रहा है, तो उस वक्त आप एक अकाउंट बनाते हैं जिसमें अपने एसेट और लायबिलिटीज की रियल वैल्यू को जान रहे होते हैं, वो अकाउंट कहलाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। The extra amount charged from new partner over and above the share capital. अभी extra amount आप charge कर रहे हो नए partner से above the share capital offer जितना आप दे रहे हो। When old partner are ready to reduce their capital, तो ये हमारा जो है 17 MCQs का answer होता है। देखो an extra amount charged for the न्यू पार्टनर ओवर एंड अबव द शेयर कैपिटल ऑफर व्हेन ओल्ड पार्टनर्स आर नॉट रेडी टू रिड्यूस देयर कैपिटल, कैपिटल रिड्यूस करने के लिए तैयार नहीं है तो एक गुडविल है, पहली बात हो गई। द एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज फॉर न्यू पार्टनर, नए पार्टनर से एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज करें, इसका मतलब ये गुडविल किसकी होगी, ओल्ड पार्टनर की। पहले हमने क्या डिसाइड किया, गुडविल है या बोनस है, तो बोल रहे ओल्ड पार्टनर्स आर नॉट रेडी टू रिड्यूस देयर कैपिटल, गुडविल मेथड में कैपिटल कम नहीं किया जाता। फिर ये गुडविल नए की हो गए पुराने की कैसे पता चलेगा, एक्स्ट्रा अमाउंट जिससे चार्ज करे, जाहिर सी बात है गुडविल उसकी तो नहीं होगी, तो ये गुडविल ओल्ड पार्टनर की है। 18 MCQs है, प्रॉफिट ऑफ रिवैल्यूएशन शुड बी क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट, ओल्ड पार्टनर के अकाउंट में जो है ये ट्रांसफर करते हैं, लेकिन उससे पहले ये जाता हमारे पास रिवैल्यूएशन अकाउंट में, तो यहां पर हम इसको जो है रिवैल्यूएशन अकाउंट इज द राइट आंसर, पहले प्रॉफिट को रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट करती है और फिर इससे ओल्ड पार्टनर के अकाउंट में जाता है, तो पहला प्रोसेस जो है हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट का, इसलिए ये राइट आंसर है। इफ द पार्टनरशिप फर्म गेट्स नेट प्रॉफिट 80,000 प्रॉफिट हुआ है, इफ द टू पार्टनर ए एंड बी हैविंग इनिशियल कैपिटल बैलेंस 50,000 और 30,000, प्रॉफिट विल बी डिवाइडेड ऑन द बिगिनिंग कैपिटल रेशियो। अभी आपको कैपिटल डिवाइड करना है, देखो रेशो अगर निकालना हो तो ये देखो 30,000 ये 4,0 काट दो और ये 0 काट दो, भी आपके पास रेशो क्या बन गया 5,
रेशो 3, 80,000 डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। ए का कैपिटल कितना है 50,000, उसका रेशो कितना बन रहा है 5, तो आप यूं लिखोगे 80,000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 8। क्यों? क्योंकि दोनों का रेशो कितना बन रहा है 5 और 3, 5 जमा 3 क्या हो जाता है 8 हो जाता है, तो ये आपके पास 50,000 रुपए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपके पास है द मैक्सिमम अमाउंट विच द कंपनी इज अलाउड टू रेज बाय इशूइंग द शेयर इज नोन एज ऑथराइज कैपिटल। ये हमारा ऑथराइज कैपिटल कहलाता है। तो दैट्स इट, ये आपको और तमाम आंसर जो है मैंने बता दिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इस पर बहुत सारे MCQs आपको मैं सॉल्व करवाऊंगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।